the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. सबसे पहले हम इस थ्योरम का मतलब समझते हैं. हमारे पास तीन फिगर्स हैं क्योंकि ये थ्योरम तीन केसेस में एप्लीकेबल हो सकती है. यहाँ पे एक आर्क की बात की गई है. आर्क तीन तरह की हो सकती है, माइनर आर्क, मेजर आर्क और सेमी सर्कल. जब ये आर्क माइनर आर्क होगी, पी क्यू, हम मानते हैं आर्क पी क्यू की बात हो रही है यहाँ पे, माइनर आर्क, ये सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा पी ओ क्यू. देखिए आर्क नीचे की तरफ है, एंगल भी इसी तरफ सबटेंड होगा, एंगल पी ओ क्यू. मैं मार्क कर देता हूँ. अब इसके अलावा, इस रीजन के अलावा बाकी पार्ट है रिमेनिंग पार्ट. यही आर्क रिमेनिंग पार्ट में भी एंगल सबटेंड करेगी सर्कल पर. ये एंगल है पी ए क्यू. तो देखिए ये आर्क है, ये सेंटर पे दो एंगल सबटेंड करती है, एक तो अपनी तरफ और एक उधर. हम इस एंगल को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ये वाला जो रिफ्लेक्स एंगल है पी ओ क्यू. हम एंगल पी ओ क्यू की बात कर रहे हैं क्योंकि ये आर्क की तरफ है. तो हम कहेंगे जो आर्क माइनर आर्क पी क्यू है वो एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे, ये पी ओ क्यू, ये वाला एंगल. और रिमेनिंग पार्ट मतलब दूसरा पार्ट, वहाँ पे एंगल सबटेंड करना है सेंटर पर, तो पॉइंट होगा सर्कमफ्रेंस पे. सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट हुआ क्योंकि रिमेनिंग पार्ट और सेंटर पे है, सॉरी सर्कल पर है, तो एंगल हुआ पी ए क्यू. तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो आर्क सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है और एक रिमेनिंग पार्ट में सर्कल पे एंगल सबटेंड कर रही है, तो ये जो एंगल है सेंटर वाला, ये इसका डबल होगा. ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. सेकेंड केस हम लेते हैं, ये जो आर्क पी क्यू है वो सेमी सर्कल है. हम मानते हैं आर्क पी क्यू ये है सेमी सर्कल, तो ये एंगल हुआ सेंटर पे इसकी तरफ और रिमेनिंग पार्ट दूसरी साइड, वहाँ पे एंगल हुआ पी ए क्यू सर्कल पे. ये इसका डबल होगा इस थ्योरम के अकॉर्डिंग. अब हम चलते हैं जब आर्क मेजर आर्क हो. पी क्यू आर्क माइनर आर्क नहीं है, ना ही वो सेमी सर्कल है, ये बड़ी आर्क है, मेजर आर्क है. तो आर्क पी क्यू जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगी वो होगा रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू. ठीक है, इस बार हम ये वाला एंगल नहीं लेंगे, छोटा एंगल, क्योंकि आर्क पी क्यू इस तरफ है, तो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू जो कि 180 डिग्री से बड़ा है, और रिमेनिंग पार्ट हुआ ये वाला साइड. यहाँ पे ये आर्क सर्कल पर एंगल सबटेंड कर रही है पी ए क्यू, तो हम बोलेंगे ये एंगल इसका डबल है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम. तो एक ही रिजल्ट तीनों केसेस में एप्लीकेबल है. हम प्रूफ शुरू करते हैं इसका. सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम जॉइन करेंगे ए ओ को और उसे एक्सटेंड करेंगे बी तक. ये पॉइंट है बी. यहाँ भी वही चीज़ मैंने की, जॉइन किया मैंने ए ओ को और फिर ये पॉइंट है बी, एक्सटेंड किया इसको. यहाँ भी हमने वही कंस्ट्रक्शन की, जॉइन ए ओ एंड एक्सटेंड इट अप टू पॉइंट बी. तो मैं एक ही लाइन इन तीनों केस के लिए लिख सकता हूँ. देखिए जॉइन ए एंड ओ एंड एक्सटेंड इट टू पॉइंट बी, ये तीनों के लिए एप्लीकेबल है. फिर इस एंगल को, एंगल बी ओ क्यू को मैं मार्क करता हूँ एंगल वन. यहाँ भी देखिए बी ओ क्यू को मैं मार्क करता हूँ वन. मैं लिख सकता हूँ एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल वन, ये मैंने मार्क किया. ठीक, मैं इसी तरह से लिखता हूँ एंगल बी ओ पी एंगल टू. यहाँ भी देखिए बी ओ पी एंगल टू, बी ओ पी एंगल टू, एंगल बी ओ पी इज एंगल टू. फिर ये एंगल मैं लेता हूँ एंगल थ्री, एंगल ओ पी ए और ये एंगल फोर. देखिए
OPA एंगल 3 और OAP OPA एंगल 3 एंड OAP एंगल 4। आप देखेंगे ये दोनों लाइनें, दोनों लाइंस यहाँ पे इनके लिए भी एप्लीकेबल है। देखिए कैसे, एंगल 3 ये हो जाएगा, OP है और OAP एंगल 4, यहाँ पे OPA एंगल 3 और ये OAP एंगल 4। इस एंगल को मैं मार्क करता हूँ एंगल 5, जो कि है QAO, एंगल QAO इस एंगल 5, और ये सबके लिए एप्लीकेबल है। QAO एंगल 5 एंगल 5, तो ये जो मैंने लिखा है तीनों के लिए एप्लीकेबल है, आप चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल AOP, सिर्फ यही ट्रायंगल AOP, यहां भी देखिए AOP AOP, हम कह सकते हैं कि OP इज इक्वल टू OA, क्यों? क्योंकि सर्कल की रेडियाई है। तो इक्वल होगी। अब अगर OP इक्वल है OA के, तो हम ये कह सकते हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और एंगल 3 होगा एंगल 4 के इक्वल। दिस इंप्लाइज दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। यहां हम लिख सकते हैं एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स इन अ ट्रायंगल आर इक्वल। एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। आप देख सकते हैं यहां भी एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा इस केस में, यहां भी एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, और सेम रीजन है, आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब इस फिगर को देखिए, एंगल 2। इस ट्रायंगल में एंगल 2 एक एक्सटीरियर एंगल है, यहां भी देखिए एंगल 2 एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल APO APB का, APO का, और यहां भी एंगल 2 ट्रायंगल APO का एक्सटीरियर एंगल है। तो यहां पे एंगल 2 हुआ एंगल 3 प्लस 4, यहां भी एंगल 2 हुआ एंगल 3 प्लस 4, और यहां भी एंगल 2 हुआ एंगल 3 प्लस 4। मैं लिखता हूं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, और फाइनली मुझे पता है कि 3 4 के इक्वल है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि एंगल 2 है ट्वाइस ऑफ एंगल 4। अब यहां पे आपने सोचा होगा मैंने ट्वाइस ऑफ एंगल 3 क्यों नहीं किया। ट्वाइस ऑफ एंगल 3 करने से मुझे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, आप आगे देखेंगे। ट्वाइस ऑफ 4 करना जरूरी है, आप याद रखिएगा, आपको प्रूव करना है एंगल 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4। यहाँ भी देखिए एंगल 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4, और सेम चीज़ यहाँ भी होगी, आपको ये ध्यान रखना है। हमने प्रूव कर दिया एंगल 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4। हम कह सकते हैं सिमिलरली एंगल 1 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 5, हियर एंगल 1 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 5, और यहां भी एंगल 1 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 5। हम लिखते हैं यहां पे एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 5। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर लेता हूं, और मुझे क्या मिलता है, देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5, ये बन जाएगा 2 टाइम एंगल 4 प्लस एंगल 5। 1 प्लस 2, एंगल 1 प्लस 2 क्या है, देखिए एंगल 1 प्लस 2 तो है POQ फर्स्ट केस में, सेकंड केस में 1 प्लस 2 है 180 डिग्री, और थर्ड केस में है एंगल 1 प्लस 2 जो होगा वो होगा रिफ्लेक्स एंगल POQ। तो यहाँ से हम अपने हम केसेस को अलग अलग स्टडी करते हैं, यहाँ से छोड़ के हम लिखते हैं केस 1। केस 1 में आप इस इक्वेशन को, जो कि इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 3 अज्यूम करता हूँ, एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4 प्लस 5, इक्वेशन 3, इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। एक बार फिर से मैं रीराइट कर लेता हूँ, एंगल 1 प्लस 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 4 प्लस एंगल 5, इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। यहाँ पे एंगल 1 प्लस 2 इज, देखिए एंगल POQ, एंगल POQ ट्वाइस ऑफ एंगल 4 प्लस 5। केस 1 की बात कर रहा हूँ मैं, अभी केस 2 और केस 3 की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे मैं केस 4 प्लस 5 होगा आपका एंगल PAQ, एंगल
PAQ. तो इस तरह से जो रिजल्ट है हमने केस वन के लिए प्रूव कर दिया है. चलिए केस टू में चलते हैं. अब केस टू की बात करते हैं. मैं एक बार फिर से इक्वेशन को रीराइट करता हूँ. एंगल 1 + 2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4 + एंगल 5. ये जो प्रूव हमने तीनों केस के लिए किया था, तीनों केसेस के लिए किया था. अब 1 + 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 4 + 5. याद रखिएगा 1 + 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 4 + 5. हमें देखते ही पता चल रहा है 1 और 2 तो लीनियर पेयर में है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा. हम यहाँ लिख सकते हैं इट इज़ 180 डिग्री. इट इज़ ट्वाइस ऑफ 4 + 5. और यहाँ से हमें मिलता है एंगल 4 + 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री. और एंगल 4 + 5 यहाँ होगा एंगल PAQ. 4 + 5 सेकेंड केस में देखिए PAQ. हम कह सकते हैं एंगल PAQ इज इक्वल टू 90 डिग्री. यहाँ से हमें एक नई बात पता लगती है कि जो डायमीटर होता है सर्कमफ्रेंस पे, सर्कल पे जो एंगल सबटेंड करेगा वो होगा 90 डिग्री. ये रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम आने वाले समय में काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम ये रिजल्ट यूज़ करेंगे कि डायमीटर सर्कल पे हमेशा 90 डिग्री सबटेंड करता है. चलिए केस 3. मैं फिर से इक्वेशन लिखता हूँ जो हमने तीनों केसेस के लिए प्रूव किया है. ट्वाइस ऑफ एंगल 4 + 5 एंगल 1 + 2 केस 3 में. हम इसको एंगल POQ नहीं बोल सकते. ये है एंगल रिफ्लेक्स एंगल POQ. ये 180 डिग्री से बड़ा है. हम इसे लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल POQ. रिफ्लेक्स एंगल POQ एक बार फिर से देखिए. POQ रिफ्लेक्स एंगल POQ 1 + 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 4 + 5. 4 + 5 को एंगल 4 + एंगल 5 को हम लिख सकते हैं एंगल PAQ. एंगल PAQ. इस तरह से ये रिजल्ट हमने तीनों केसेस के लिए प्रूव कर दिया. हमारी थ्योरम प्रूव हुआ.